नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। आज हम एक ऐसे व्रत के बारे में जानेंगे जिसका सनातन धर्म में एक खास महत्व है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से पूजा करता है, दान देता है और अनुष्ठान करता है, उसे जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। लेकिन किस तरह से इसे करना चाहिए, पूरे विधि विधान से, और ख़ास तौर पे कौन कौन से काम इस दिन भूल के भी नहीं करना चाहिए और क्या इसका फल मिलता है, आइए जानते हैं विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री सनबेत्रा अशोका जी से। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि भगवान विष्णु की तमाम एकादशियों में से निर्जला एकादशी का क्या महत्व है और क्यों ये इतनी खास है? देखिए, जो निर्जला एकादशी है ये सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है, क्योंकि देखिए जून की तपती धूप में, निर्जला का मतलब है बिना जल के। अन्न को तो छोड़ दीजिएगा, फलाहार को तो छोड़ दीजिएगा, इसमें जल भी नहीं लिया जाता। बिना जल के अगर आप व्रत रखते हैं, कुछ भी खाए पिए बिना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सायंकाल तक अगर आप निराहार बिना जल लिए, बिना किसी भी तरीके का आहार लिए अगर आप व्रत रखते हैं, तो ये एकादशी इसलिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर आप साल भर में कोई भी एकादशी नहीं रख पाए और निर्जला एकादशी रख लेते हैं, तो इस एकादशी को रखने के बाद आपको साल में पड़ने वाला, अगर सारे व्रत नहीं किए आपने और सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया है, तो इससे बड़ी मोक्षदायिनी एकादशी है ही नहीं। क्योंकि इसमें सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है। आप अगर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, तो जिनको लक्ष्मी की इच्छा है, जो प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, घर में खुशहाली चाहते हैं, एकाग्र चित्र होकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का, गणेश वंदना के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। और उसके लिए सबसे सिंपल मंत्र है, जो भगवान विष्णु का बीज मंत्र है, वो है ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण मंत्र का मानसिक जाप करें, बोलना नहीं, मानसिक जाप करें। अगर एकादशी के दिन पूरा दिन आप किसी से बिना बोले मानसिक जाप करते हैं और ध्यान लगा के रखते हैं, तो इसका जो महात्म है अकथनीय है, उसकी महिमा नहीं बताई जा सकती। क्योंकि इसमें इतनी गर्मी में आप जो है भगवान का स्मरण करते हैं और बिना जल के निराहार, तो ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। सर, आपने कहा जाप करना चाहिए, क्या इस व्रत में ऐसा होता है कि विशेष माला से ही जाप करना चाहिए या फिर तमाम जो भी आपके पास माला है उससे आप सिंपल कर सकते हैं? देखिए, मैंने इसमें एक चीज़ बताई है, कोई माला की ज़रूरत नहीं है, मानसिक जाप। तो मानसिक जाप में काउंट नहीं, भगवान का नाम काउंट लेके नहीं करना चाहिए। मानसिक जाप का मतलब आप अपना काम कार्य अगर कर रहे हैं, पहली बात तो अगर मौन रख के रखते हैं तो इसका महत्व 100 गुना हो जाता है, मौन व्रत में करते हैं तो, और एकाग्र चित्त होकर एकांत में बैठ के करते हैं, तो फल उसका जो है बिल्कुल अकल्पनीय है। क्या फल मिलेगा, उसके रिजल्ट क्या मिलेंगे, वो आपको करने के बाद पता लगेगा। दूसरा, माला इसलिए नहीं जरूरत है कि भगवान का नाम हमको काउंट करके थोड़ा लेना है, और मानसिक जाप कर रहे हैं तो वहाँ पे माला पे ध्यान क्यों देना। भगवान विष्णु की प्रतिमा का ध्यान करिए, भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान करिएगा, और ये आप किसी के निमित्त भी कर सकते हैं। अगर कोई घर में परेशान है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई बीमार है, या कोई बहुत ज़्यादा कष्ट में है, आपका मित्र संबंधी और दूर है, आप उसकी मदद नहीं कर सकते, तो आप उसके निमित्त भी कर सकते हैं। एकादशी के बाद आप जो है ब्राह्मणों को फल, जल का पात्र, मिष्ठान, शरबत मीठा, गरीबों में मीठा शरबत मांडें,
और मंदिर में ये चीज़ें आप अगर देते हैं तो इसका महत्व बिल्कुल आपको मिलेगा और आपके कष्टों का निवारण होगा। सर, विशेषकर इस व्रत को किन लोगों को रखना चाहिए? देखिए, व्रत तो हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए और कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में व्रत रखता ही है। तो व्रत तो रखना जो है, अगर आप संकल्प के साथ इस व्रत को करते हैं तो इसका जो महत्व है वो अकल्पनीय है। आप सोच भी नहीं सकते उसका क्या आपको अच्छा, कितना अच्छा परिणाम मिलेगा। नहीं, ऐसा भी होता है कि कई व्रतों, जैसे 16 सोमवार कहते हैं कि अविवाहित कन्याएं रखती हैं। निर्जला काशी साल में एक ही होती है और एक अगर काशी कर लेते हैं आप तो जितने व्रत पढ़ते हैं उन सबका महत्व इसके अंदर इंक्लूडेड है। सर, कई बार क्या होता है कि इंसान भूल चूक में कोई ऐसा काम करता है जिसका उसे ध्यान में नहीं रहता, तो खासकर ये जो व्रत है भगवान विष्णु का निर्जला एकादशी, इसमें ऐसे कौन कौन से काम हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, या मन में भी कई बार ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, द्वेष की भावनाएं आ जाती हैं, जो मतलब नहीं सोच? देखिए, आप जब भी कोई व्रत लेते हैं तो उसके लिए 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले, जिस चीज़ का आप व्रत ले रहे हैं उसके कारण किसी के भी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, किसी की भी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ईर्ष्या भाव से या किसी के अनिष्ट के लिए कभी कोई व्रत पूजा पाठ ना करें, क्योंकि उसका फल 10 गुना नेगेटिव आपके ऊपर आएगा। तो इसलिए कभी भी किसी के अनिष्ट को दिमाग में रख के आप कोई भी अनुष्ठान ना करें। अगर कोई ये कहता है कि आपके लिए हम अनुष्ठान करेंगे और फलां का अनिष्ट हो जाएगा, ये मैं किसी भी अनुष्ठान की बात कर रहा हूँ, वो मत करवाएं। वो करवाएंगे तो उसका वही रिजल्ट आएगा जो मिर्ची बाबा के हवन का माननीय दिग्विजय जी को मिला और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करवा दिया। सर, ये जो व्रत है ये ज़्यादातर मंदिरों में जाकर कर सकते हैं या फिर पूजा अर्चना अपने घर में ही आप आराम से कर सकते हैं? देखिए, मंदिरों में जाके आप ध्यान लगाएं बहुत बढ़िया है। अगर आपके घर में आपको एकांत मिलता है तो उसमें आप ध्यान रहें। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको निराहार बिना जल के ये व्रत रखना है और मानसिक जाप करना है, और उसके बाद जितना सामर्थ्य है आपके पास, यथा सामर्थ्य यथा योग्यता, आप दान करें गरीबों में। आपके पास सामर्थ्य आप छवि लगवा दें, गरीब जो इतनी तपती धूप में उधर से गुजरेंगे, मीठा पानी लेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। चलिए सर, इस पे हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संबेत्रा जी, जिनसे हमने जाना निर्जला एकादशी व्रत का महत्व और किस तरह से इसे विधि विधान से करना चाहिए और क्या इसका फल मिलता है। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को दीजिए इजाज़त और धर्म ज्ञान के साथ यूं ही जुड़े रहिए।